बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एज़ यू नो, ड्यू टू कोविड वी आर अगेन गिविंग यू ऑनलाइन क्लासेस। लेट्स रिवाइज आवर सेकंड टर्म व्हिच इज़ योर चैप्टर नंबर 5, डिजीजेस कॉजेज एंड प्रिवेंशन। ओपन योर पेज नंबर 52। सो हमने ये पहले पढ़ लिया है, हम अगेन इसको रिवाइज कर रहे हैं। मैं आपको इसको अगेन सारा समझा रही हूँ और आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑल द टाइम अराउंड अस इन एनवायरमेंट सच एज अर्थ, वाटर, एयर। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। वो सराउंडिंग चाहे हमारी एयर है, वाटर है, आपकी अर्थ पे सॉइल है, कोई भी ऐसी चीज जहां पे आप खड़े हो वहां पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके साथ हैं। ऑल द इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। वो कह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम डिफरेंट टाइप्स में लेकर आते हैं जिसमें वायरसेस और बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि वायरसेस और बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर डिजीज भी कॉज करते हैं। ऑल दो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, बैक्टीरियाज को हम लोग यूज़ करते हैं अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर हमें हार्म क्रिएट करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। वो कहने के ये डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं, हमें नेकेड आई से तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब हम इनको माइक्रोस्कोप पे चेक करते हैं तो हमें इनकी शेप्स एंड साइज पता चलते हैं। नेवर्थलेस सम डिजीजेस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई सच एज इंटेस्टाइनल वॉर्म एटसेट्रा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि हमारे पेट के जो कीड़े होते हैं जिनको हम इंटेस्टाइनल वॉर्म्स कहते हैं, और वो हमारी आई से नजर आते हैं। द फंगस लुक लाइक प्लांट्स बट दे हैव नो रूट स्टेम एंड लीव्स एंड दीज कैन ऑल्सो कॉज मैनी डिजीजेज। इसके अलावा हमें फंगल डिजीजेज भी हो जाती हैं, ठीक है। फंगस को हम ना तो प्लांट कहते हैं ना ही एनिमल, वो इन बिटवीन आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए प्लांट्स से रिलेट करते हैं, लेकिन इनके पास प्लांट्स की तरह रूट स्टेम लीव्स नहीं होते हैं, और ये फंगस भी हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। नाउ योर टॉपिक 5.1, डिजीज इज कॉज्ड बाय जर्म्स। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड वर्म्स कैन कॉज मैनी डिजीजेज। हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वायरल डिजीजेज पढ़ रहे हैं। सो वायरल डिजीजेज, पहले डिजीज आ रही है आपकी स्मॉल पॉक्स। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज। नाउ दिस वायरस इज नॉन एग्जिस्टेंट इन द वर्ल्ड एज एन इन्फेक्शियस एजेंट, बट इट इज केप्ट इन द लेबॉरेटरी फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स इन साउथ अफ्रीका, अमेरिका, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन। सो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ऐसी डिजीज है जो कि अब नहीं रही है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्योर कर लिया हुआ इसके ऊपर, और अब इसका जो वायरस है उसको वो ज़्यादातर हमें इन्वायरमेंट में नहीं मिलता है। उसको हमने लेबॉरेटरीज के अंदर अपने पास रखा हुआ है, उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। The common symptoms of this disease are acute fever, headache, backache, vomiting and fits which occur often in children. वो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके जो common symptoms है वो क्या है। Acute fever means आपको हल्का सा बुखार होता है, headache आपका सर दर्द, backache आपकी कमर में दर्द, vomiting होती है आपको, fits मतलब दौरे पड़ना, आपको दौरे पड़ते हैं, और ये ज़्यादातर किस में हो रहा है, children's में हो रहा है। On third or fourth day of fever, spots may occur on arms and legs. इस बुखार के तीसरे या चौथे दिन आपको आपकी टांगों पे और बाजुओं पे स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। दिस वायरस में अफेक्ट बोथ सेक्सेस एट ऑल एजेस। ये दोनों सेक्सेस यानी मेल और फीमेल दोनों पे अटैक करता है, और ऑल एजेस यानी छोटा है, बड़ा है, किसी को भी अटैक कर सकता है। वन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स में प्रोड्यूस इम्यूनिटी फॉर होल लाइफ एंड सेकेंड अटैक इज वेरी रेयर। वो कह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं आपको में, तो आपके अंदर इम्यूनिटी डिवेलप हो जाती है, मीन्स के इससे लड़ने के लिए आपके अंदर सोल्जर्स डिवेलप हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स डिवेलप हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसका सेकेंड अटैक होता भी है तो वो आप पे नहीं होगा, वो बहुत कम होगा, क्योंकि आप में सोल्जर्स प्रेजेंट हैं उस वायरस को यानी डिस्ट्रॉय एंड डैमेज करने के लिए। द वायरस स्प्रेड बाय द कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग ऑफ द पेशेंट एंड थस एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द हेल्दी पर्सन। वो कह रहे हैं कि अब इसको स्प्रेड कैसे किया जाता है या ये स्प्रेड कैसे होता है, जिस पर्सन में ये हुआ हुआ है उसके कफ यानी के खांसने से, छींकने से, या वो वाला पेशेंट जिसको ऑलरेडी हुआ है वो जब किसी और से बात करता है तो वो उस अपने जो उसके माउथ से जो गैसेज एक्सहेल आउट हो रही हैं उसके थ्रू वो दूसरे पर्सन तक जा सकता है और उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है।
तो ये तो था आपका स्मॉल पॉक्स के बारे में। आपने इसकी स्प्रेड अच्छे से याद करनी है, इसके सिम्टम्स याद करनी है, और ये कहाँ कहाँ किस एज में हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। देन आपकी नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है पोलियोमेलाइटिस, जिसको हम सिंपल वे में पोलियो भी बोलते हैं। पोलियो इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज। पोलियोमेलाइटिस इज वेरी कॉमन इन द चिल्ड्रन बिलो 2 years ऑफ एज। इट इज प्राइमरी एन इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक। द वायरस गेन एंट्री बाय द इटेबल्स एंड वाटर। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगेन जो पोलियो है ये भी आपकी वायरल डिजीज है, यानी वायरस के थ्रू हो रहा है, और ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है जिनकी एज 2 years से कम होती है। और ये कैसे होता है, ये ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये उनमें जाता है। ये वायरस कैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, आप अगर बॉइल्ड पानी नहीं पी रहे हो या साफ पानी नहीं पी रहे हो या जो भी आप खा रहे हो वो एप्पल बनाना फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसको आपने अच्छे से वॉश नहीं किया, ये वायरस उन पर होता है और उनसे फिर हमारी बॉडी में एलिमेंट्री ट्रैक में चला जाता है। इट मे अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग इन वेरिंग डिग्री ऑफ पैरालिसिस। और ये जाके फिर एक दफ़ा जब हमारी बॉडी में चला जाता है तो ये अटैक कहाँ करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। और जब नर्वस सिस्टम यानी आपका जब ब्रेन डैमेज होता है तो वो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है। और जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज होता है मीन्स के इंटरनली वहाँ तक आपका नर्वस सिस्टम मैसेजेस सेंड नहीं कर पा रहा होता तो उसको हम कहते हैं कि वो जगह वो बॉडी का पार्ट पैरालाइज हो गया। द पेशेंट फील कोल्ड एंड फीवर वॉमिटिंग ऑफ एंड पेन ऑफ मसल। अब इसमें जब पेशेंट के अंदर ये पोलियो वायरस चला जाता है तो फिर उसको क्या होता है, उसको ठंड लगता है, उसको बुखार होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, और उसके मसल्स में यानी कि कह लो कि जो हम कहते हैं जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो जो जोड़ों वाला दर्द है वो मसल्स वाली जो पेन आ जाती है वो इसमें आ जाती है, ज्वाइंट पेन या मसल पेन। Often paralysis does not occur, but if the infection is severe, then paralysis of any part may occur. So वो कह रहे हैं कि अगर तो ये शुरू में क्योर हो जाता है यानी 2 years से अभी वो बच्चा कम है और उसमें ये चीज़ देखी जाती है और उसको वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं या उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं तो वो क्योर हो सकता है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा स्वेयर चला जाता है 2 years से बच्चा अबव हो जाता है तो इस जो डिजीज़ है इसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है और पैरालिसिस किसी न किसी पार्ट का हो जाता है। पोलियोमेलाइटिस में पैरालाइज वन और बोथ लेग्स विच कॉज वीकनिंग एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द लिम्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये इन्फेक्शन ये डिजीज सीवियर हो जाती है तो कोई भी एक टांग या इवन दोनों टांगें जो हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं यानी कि वो काम नहीं करती हैं, बच्चा वीक हो जाता है, और रिटार्ड द ग्रोथ मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। वंस पैरालाइज ऑफ पोलियोमेलाइटिस अकर देन नो मेडिसिन कैन क्योर इट। वो कह रहे हैं एक दफ़ा जब ये बीमारी लग जाती है तो फिर उसके बाद कोई भी मेडिसिन इसको क्योर नहीं कर पाती है, ये फिर उस बच्चे के साथ उसके बड़े होने तक डेथ होने तक उसके साथ साथ ही रहती है। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो ऑफ नो हेल्प। कोई मेडिसिन में यानी एंटीबायोटिक्स भी किसी हेल्प में नहीं आती हैं। द चाइल्ड हु इज़ पैरालाइज्ड बाय पोलियोमेलाइटिस शुड बी गिवन बैलेंस्ड डाइट टू प्रमोट डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। वो कह रहे हैं जो भी बेटा बच्चा जो है वो पैरालाइज हो जाता है पोलियोमेलाइटिस से तो वो कह रहे हैं कि अब उसको क्योर तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसकी डाइट को इतना अच्छा रखें कि उसके अंदर कोई और डिजीज एक्ट ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है और जब कोई और वायरस या बैक्टीरिया एक्ट करेगा तो वो उसको मजीद वीक करने की कोशिश करेगा। ही शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी टू स्ट्रेंथन द अदर मसल्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा डाइट के अलावा उस पेशेंट को हमें फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज जिसे कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स की वो करवानी चाहिए ताकि उसके मसल्स स्ट्रांग हो जाएं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द डिजीज सम इम्प्रूवमेंट इज एक्सपेक्टेड। और अगर शुरू में ही ये पता चल जाता है और शुरू में ही हम लोग उसको डाइट अच्छी देते हैं और फिजियोथेरेपी करते हैं तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो जाते हैं। द सिक चाइल्ड शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन अ सेपरेट रूम। वो कह रहे हैं कि जो पेशेंट होता है पोलियो का हमें चाहिए कि उसको हम बाकी बच्चों से दूर रखें, ठीक है, अलहदा से। ऐसा नहीं है कि ये वायरस दूसरों में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ये है कि वो जो जो पेशेंट है वो जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों को जब देखता है खेलते हुए या बातें करते हुए या फिर घूमते फिरते या चीज़ों के साथ उनका खेलना, तो वो फिर उसमें कह लें कि सांसें कमतरी का शिकार हो जाता है, उसका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता कि मैं उनके साथ नहीं खेल पा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस पेशेंट को आइसोलेट यानी कि अलहदा से रखना चाहिए। पोलियो वैक्सीन इज द मेन प्रोटेक्टिव मेथड अवेलेबल। द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ ऑन इम्यूनाइजेशन इन पाकिस्तान इज अ माइलस्टोन इन पोलियो वैक्सीनेशन। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पोलियो से बचने का सिर्फ एक हल यही है कि आपने वैक्सीन लगानी है जो कि आ चुकी है, वही आपको प्रोटेक्ट करेगी।
इसके अलावा कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के ऊपर पाकिस्तान में यानी इस डिजीज़ के ऊपर पाकिस्तान में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो काफ़ी हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को पोलियो से बचने के लिए। ठीक है, तो आपका अभी फर्स्ट लेक्चर यहाँ तक था, हमने इसको पढ़ लिया हुआ है। आपने इसको दोबारा से अच्छे से रिपीट करना है, इनके सिम्टम्स, इनकी कॉजेज और ये किस वजह से होती हैं। अभी तक तो जो हमने पढ़ी ये वायरल डिजीज़ है, आपने इनके डिजीज के नेम अच्छे से याद रखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने देनी। ठीक, अब अगर हम लोग पेज नंबर 52 पर आए तो वहाँ पे हमारा एक ग्रीन बॉक्स था, हम वो ग्रीन बॉक्स देखते हैं। प्रोटेक्ट योर चाइल्ड बाय गिविंग पोलियो वैक्सीन एट बर्थ, देन एट 6 वीक, 10th वीक, 14th वीक एंड फाइनली एट 9th मंथ। अब उन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि पोलियो की वैक्सीन हमने कब कब देनी है। एक दफ़ा में नहीं होती, जब बेबी बॉर्न होता है, जब पैदा होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ एक डोज तब देनी है, फिर 6th वीक में देनी है, 10th वीक में, 14th वीक में और लास्ट 9th मंथ में। यानी आपको ये डोज बार बार देनी पड़ती है, फिर जाके उसके अंदर प्रॉपरली वो इम्यून सिस्टम उस बच्चे का स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने अपने 52 पेज के ऊपर पढ़ा था डेंगू फीवर का, थोड़ा सा आपका ग्रीन बॉक्स है वो पढ़ते हैं। इट इज़ कॉज बाय डेंगू वायरस, डेंगू फीवर है तो वो डेंगू वायरस से वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हो रहा है। डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर ड्यू टू स्वेयर ज्वाइंट पेन। यानी वो कह रहे हैं कि ये इसमें आपको क्या होता है, फीवर होता है लेकिन वो इतना यानी आपके ऊपर इतना उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कि आपकी जो बोन्स हैं आपका ऐसे लगता है जैसे हमारी हड्डियाँ टूट रही हैं, इसलिए उसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, सो आपने सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है, याद करना है और उसके बाद इसको लिखना है। अल्लाह हाफिज़।